हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मजुमदार कंस्ट्रक्शन चैनल में आप लोगों फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों के लिए एक नया प्लान लेकर के आया हूँ। आज जो प्लॉट लिया है उसका प्लॉट साइज 62 फीट इंटू 31 फीट। ये प्लान आप लोगों डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर का प्लान। प्लान का तरफ बनने से पहले एक बार साइड प्लान देख लेते हैं। आज जो प्लॉट लिया है उसके हिसाब से ईस्ट साइड से 4 फीट, साउथ साइड से 8 फीट, वेस्ट साइड से 4 फीट एंड नॉर्थ साइड से 6 फीट चौड़ा हमने। बिल्डिंग का फ्रंट साइड में 8 फीट वाइड एक म्यूनिसिपल रोड है। चलिए प्लान की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर कार पार्किंग एडजस्ट किया जिसका साइज है 11 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट। यहाँ पर मेन रोड एडजस्ट किया है कार पार्किंग के बाद अंदर आने के लिए। यहाँ पर स्टेयर एडजस्ट किया है जिसका वाइड है 3 फीट 6 इंच। इस स्टेयर का वेंटिलेशन के लिए वेस्ट साइड से 2 विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट एडजस्ट किया है जिसका साइज है 7 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट। इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए वही साइज से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर अटैच टॉयलेट एडजस्ट किया है जिसका साइज है 7 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट। इस अटैच टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए वही साइज से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर बेडरूम एडजस्ट किया जिसका साइज है 11 फीट 1 इंच इंटू 12 फीट। इस बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए साउथ साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है और वही साइज से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर किचन एडजस्ट किया है जिसका साइज है 12 फीट 5 इंच इंटू 9 फीट 10 इंच। इस किचन का वेंटिलेशन के लिए साउथ साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है और ईस्ट साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल एडजस्ट किया है जिसका साइज है 34 फीट इंटू 10 फीट 3 इंच। इस डाइनिंग एंड ड्राइंग हॉल का वेंटिलेशन के लिए ईस्ट साइड से 3 विंडो एडजस्ट किया है और नॉर्थ साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है। और यहाँ पर एक डोर एडजस्ट किया है बिल्डिंग का अंदर आने के लिए। चलिए फ्रेंड, फर्स्ट फ्लोर का प्लान कैसे बनाया वो डिटेल्स में देख लेते हैं। यह है बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का प्लान। चलिए फ्रेंड, प्लान की तरफ एक बार ध्यान देते हैं। यहाँ पर बेडरूम एडजस्ट किया है जिसका साइज है 11 फीट 1 इंच इंटू 13 फीट 7 इंच। इस बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए नॉर्थ साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है और वेस्ट साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है और इस साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर स्टेयर एडजस्ट किया है, आप लोग देख सकते हैं डायमेंशन दे रखा है। और इस स्टेयर का वेंटिलेशन के लिए वॉइस से 2 विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट एडजस्ट किया है जिसका साइज है 7 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट। इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए वॉइस से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर अटैच टॉयलेट एडजस्ट किया है जिसका साइज है 7 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट। इस एटेच टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए वॉइस से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर बेडरूम एडजस्ट किया है जिसका साइज है 11 फीट 1 इंच इंटू 12 फीट। इस बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए वॉइस से एक विंडो एडजस्ट किया है और साउथ साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर बैल्कनी एडजस्ट किया है जिसका साइज है 23 फीट इंटू 4 फीट। यहाँ पर बेडरूम एडजस्ट किया है जिसका साइज है 9 फीट 10 इंच इंटू 12 फीट। इस बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए इस साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है और साउथ साइड से एक विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर ड्राइंग हॉल एडजस्ट किया है जिसका साइज है 26 फीट इंटू 9 फीट 10 इंच। इस ड्राइंग हॉल का वेंटिलेशन के लिए इस साइड से 2 विंडो एडजस्ट किया है। यहाँ पर बैल्कनी एडजस्ट किया है जिसका साइज है 10 फीट 8 इंच इंटू 12 फीट 4 इंच। चलिए फ्रेंड, इस बिल्डिंग का 3D फ्रंट एलिवेशन कैसे डिजाइन किया है एक बार देख लेते हैं। यह है बिल्डिंग का 3D फ्रंट एलिवेशन, आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल लुक दिया है हमने। चलिए फ्रेंड, इस बिल्डिंग का 3D एनिमेशन एक बार देख लेते हैं। इस टाइप के डिजाइन हमने बनाया था। आशा करती हूँ जो डिजाइन हमने बनाया आप लोगों को पसंद है। अगर आप लोगों को ये प्लान पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बेल बजाना मत भूलिए। जो भी हमने नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए
आज के लिए इतना ही।